किस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। एसपीएम का सिलेबस समझने की कोशिश करते हैं। एसपीएम के सिलेबस में हमारे पास 5 ग्रेड एरियाज हैं। एक 25 से 30 नंबर का ग्रेड है जिसमें स्ट्रेटेजी के तकरीबन 9 चैप्टर्स हैं, मैक्सिमम स्ट्रेटेजी यहाँ पे कवर हो जाती है। यानी अगर मैं जेनेरिक स्ट्रेटेजी की बात करूं तो 1 से लेकर 9 तक है। इसमें जो चैप्टर नंबर 8 और 9 है, 8 और 9 जो है वो इधर भी क्लासिफाई हो जाते हैं और समटाइम हम इसको इधर भी क्लासिफाई कर रहे होते हैं, बट अगेन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देन आपका टेक्नोलॉजी का 10 से 15 नंबर का चैप्टर नंबर 10 अकेला एक चैप्टर अलग ग्रेड है। यानी कि ये चैप्टर एक ऐसा है जिसमें मैं आके बंद करके कह सकता हूँ कि किसी भी एसपीएम के पेपर में यू कैन इजीली एक्सपेक्ट कि आपको चैप्टर 10 का सवाल नजर आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं मार्केटिंग, एचआर और इस तरह की सारी चीजें। तो चैप्टर 11 से 15 तक, इसमें 11 से लेकर 13 तक एचआर है, 14 में ऑपरेशंस की मैनेजमेंट और 15 इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। आईकैप को एरिया बहुत पसंद है और ये सिलेक्टेड 5 चैप्टर्स में से 25 से 30 नंबर का पेपर वो पूछ रहे हैं। देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये एक नया एरिया है, ये पहले नहीं होता था और उसके बाद ये कुछ अटेम्प्ट्स पहले आए और जब से आया आईकैप का एक सफिशियंट फोकस है। 15 से 25 नंबर की ग्रेड है और सिर्फ 2 चैप्टर्स है, उन 2 चैप्टर्स में भी चैप्टर 16 आईकैप को बड़ा पसंद है। देन हमारे पास एथिक्स का पोर्शन आ जाता है, 10 से 15 मार्क्स तक है, 18, 19, 20 छोटे छोटे से 6-7 सफे के चैप्टर्स है सारे के सारे, और काफी हद तक बातें आपकी कैफ की, सीफैप की रिपीट हो रही होती हैं, जिसमें आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और इस तरह की चीजें भी और थोड़े से नए कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ओवरऑल अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो स्ट्रेटेजी को लेके 25 से 30 नंबर, खाली आईटी को लेके 10 से 15 नंबर, एचआर मार्केटिंग और ऑपरेशंस की स्ट्रेटेजी को लेके 5 चैप्टर्स, परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करना है इसके बारे में 2 चैप्टर्स और एथिकल बिजनेस इसके बारे में 3 चैप्टर्स। बहुत खूबसूरत सिलेबस है। अगर आप एक बिजनेस को समझना चाहते हैं, बिजनेस क्या करता है, कैसे सोचता है, कैसे एक्ट करता है, तो बड़ा वंडरफुल पेपर है। आप जब इस कोर्स को अटेंड करेंगे तो आपको मजा आएगा कि उसमें क्लास में मैं लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फिर मैं स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करता हूँ और मैं कोशिश ये करता हूँ कि लोगों को मोटिवेट करूँ। इस पेपर का एक मिनिमम आउटपुट मैं लोगों से कहता हूँ कि जिस पेपर का मिनिमम आउटपुट ये है कि आपका ये पेपर पास हो जाए। मेरे नजदीक इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद सबसे जो छोटा आउटकम है वो आपका पेपर पास हो जाए। अगर एट लास्ट देखें तो और क्या मैं चाहता हूँ, आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जागे, आप चीजों को एनालाइज करें, आप बिजनेस बन के सोचें और आप चीजों को बड़े अच्छे पैटर्न पे समझना शुरू करें और उसके मुताबिक उनको डील करें। तो यहाँ पे इस पेपर को पढ़ते हुए आपको नजर आएगा कि मैं लेक्चर के बीच में बच्चों को झंझोड़ रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि उनको ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे बढ़ाया जाए और उनको नौकरी से हटा के थोड़ा सा बिजनेस माइंड बनाया जाए या नौकरी करते करते बिजनेस की तरफ लेके